as per JFC, they have given a big opportunity to each and every school, and it is easy for every parent to bring the kid to the school to have their football classes. The question you asked regarding football as a career, this will come to know after 1 or 2 years. All this depends upon the kids. But I must say, this is the best part in Jamshedpur, but what I observe, that they are giving the sport facilities to each and every student and in each and every corner of the Jamshedpur city. Sports तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे मोबाइल और टीवी का जो ज़माना है, दिन भर बच्चे सिर्फ बैठे हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती. तो फिजिकल एक्टिविटी उनको पूरा फिट रखने में, एंड फिजिकली अगर वो फिट रहेंगे तभी मेंटली पढ़ाई में और बाकी सब चीज़ों में फोकस कर पाएंगे. पहले जब बच्चे आए थे तो उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो इधर क्यों आए हैं. जब आस्ते आस्ते डेवलपमेंट हुआ तो उनको पता चला सबसे पहले कि जमशेदपुर एफसी आया है, मेरे को यहाँ ट्रेन करने के लिए कुछ कोचेस को हायर किया गया है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया उनको, अच्छा खासा ट्रेनिंग दे के भेजा गया. तो जैसे जैसे बच्चे का एक मैचेस भी आ रहा, अभी हम लोग एक मैच हुआ था टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट से भी लोगों को खेलने का मालूम हुआ कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है. तो जैसे बच्चे का स्किल्स हो गया, उनका बैलेंस हो गया, उनका मोटिव हो गया, वो सब चीज़ इम्प्रूवमेंट उनमें आ रहा, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है. जमशेदपुर एफसी से मैंने एक बच्चे को अंडर 5, अंडर 8, अंडर 11 में किस टाइप का उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, कोचिंग किस टाइप का दिया जाता है, और उन लोगों को खाली कोचिंग नहीं दिया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको फ़ायदा क्या है, इससे आपका डेवलपमेंट क्या है. जैसे वो लोग मेन चीज़ होता है जो मानसिक, वो लोग वो चीज़ डेवलप करते हैं. और इसमें ट्रेनिंग के साथ उनको ये भी बताया जाता है कि आपको खाना क्या है, कितना रेस्ट करना है, और कितना आपको घर में जाके जैसे पानी तक कितना पीना, वो भी एक बताया जाता है कि आपको जो ड्रिंकिंग वाटर, जो भी बहुत प्रॉब्लम होता है पानी को लेके, वो भी सिखाया जाता है ग्रास रूट्स में, कि आपको एक बच्चे को बताना है कि कितना पानी पीना है और क्या फूड्स है, क्या खाना है डाइट. Benefited by our children, they do a wonderful job, and I can see, I could feel that students, not only physically, mentally as well as emotionally, they are coming out of their closed self. That's what I see in them, and I wish them all the best. And the training that they do, they selflessly, they work towards the upliftment of these children. So we really thankful to JFC and congratulate them for all that they are doing, and all the best wishes to JFC. Thanks to JFC, they have included girls team, so now they are getting the opportunity to play football. Basically, girls football is very poor in Jamshedpur, and through this maybe one or two girls maybe play for our state and JFC team too.